पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता जंगल इंडिया लाइव। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के डूंगरपुर में 14 वर्षीय बच्चे का शव जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे में फांसी के फंदे से लटका मिला। थाना भगतपुर क्षेत्र के डूंगरपुर चौराहे पर मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में नवसात सनम मुख्या ग्राम करया नगवा थाना भगतपुर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। वह मदरसे में 8 साल से पढ़ रहा था, जिसकी मौत फांसी के फंदे से लटकने से 22 फरवरी को हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का था, बच्चे की किसी से रंजिशबाजी भी नहीं थी, सभी से प्यार मोहब्बत से पेश आता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। मदरसे में पढ़ाने वाले कराही इसरार अहमद ने बताया कि सुबह 7:30 बजे जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठा था, तब मैंने प्रतिकार नवसात पर ध्यान दिया कि नवसात पुत्र शनाब मुख्तार अहमद का लड़का वहां पर है। तब बच्चे को ढूंढने के बाद भी नहीं मिला तो अचानक पता चला जो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब यह सूचना बच्चों ने कारी इसरार अहमद को दी तो आनंद आनंद में उसके पास पहुंचे और फांसी के फंदे से नीचे उतारा। यह सब देखकर मदरसे के बच्चों में सनसनी फैल गई और कोहराम मच गया। फांसी के फंदे पर लटका शव मिलते ही मदरसा प्रबंधक व टीचर मदरसा पहुंचे और इसरार अहमद शव को कब्जे में लेकर मृतका के घर लेकर पहुंच गए और यह सब देख परिजनों में कोहराम मच गया और रो रो कर बुरा हाल है गाँव में। जब इस मामले का पता चला तो गाँव में भी सनसनी का माहौल बन गया और देखने को भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक पिता मुख्तार अहमद ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंची और घटना व मदरसे के फॉरेंसिक सेना टीम द्वारा जांच की गई और जांच के बाद कार्यवाही कर सबको पुलिस ने कब्जे में लेकर पीएम के लिए मुरादाबाद भेजा। मृतका के पिता मुख्तार अहमद ने अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत करा दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को पुलिस द्वारा कहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक जुटता है और यह पता निकालता है कि हत्या है या आत्महत्या और मृतका जनों को इंसाफ दिला भी पाता है या नहीं। मुरादाबाद से चैनल इंडिया लाइव के लिए शाहरुख हुसैन की स्पेशल रिपोर्ट। बच्चा आपको कहाँ करता हूँ मुझे चला है क्या नाम है बच्चे क्या वर्ष से पढ़ रहा था बच्चा आपका मतलब 6 साल से आपको सूचना कर दीजिए मुझे सुबह लगभग 7 बजे होगी और उनका 7:30 बजे आप मौके पर पहुंचे जी मौके पर नहीं पहुंचता एक जगह वहाँ से बच्चे लिए कौन कौन लोग आए थे मेरे भाई पढ़ाने आए कानून मदसरा कानूनी कार्रवाई की आपने नाम दर्ज किया अज्ञात में नाम मोहम्मद इसरार खुद से गलत चल रहे हैं मैं मोहम्मद इसरार जामिया इस्लामिया दारुल उलूम जिला गुदाम चढ़ा हूँ। कितने समय से खड़ा हूँ मैं 2008 की पहली तारीख से खड़ा हूँ। जिस बच्चे को थे आप इसके घर रखते मैं इनका सगा चचा हूँ। किस स्थिति में मिला था आपको ये ऊपर हमें साहब इस स्थिति में मिला ये कि जब हमें तो सुबह को तलाश करने के बाद में नहीं मिला तो सुबह में जो है हमारे छोटे वाले भतीजे ने आके मुझसे बताई मुझे चचा भैया तो ऊपर उस पर लटका पड़ा फांसी पर। तो जब मैंने जाके देखा तो साहब जो है वाकई में ऐसे ही फिर वो उस पर लटका हुआ था और जो है जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ से मरने के बाद में चीख पुकार हुई मैं इससे भी नहीं उठा गया। तो उसके बाद में जो है फिर और भी लोग सूचना के दराज से आ गए जैसे कि वो जो मुसलमान हैं साकिब भाई के चुरा के जो सर ये तो भी फांसी के फंदे से लटके हुए बच्चे को घायल मदरसे में उसका क्या मामला है? जी हाँ एक लोकल मदरसा है जिसमें यही था एक बालक था 14 वर्षीय जिसकी आज संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस संबंध में लड़के का पीएम कराया जा रहा है और अब लोग पंजीकृत करके अगर जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई।